वेलकम बैक एवरीवन। सो आज जो है आपका चैप्टर खत्म हो गया है, तो इस चैप्टर से पॉसिबली जो है एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन सकते हैं चैप्टर से, तो हम डिस्कस करेंगे। जो आप अपनी नोटबुक में एक्स्ट्रा नोट्स या क्वेश्चन आंसर ऐसे लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें 12th क्लास की जो माइग्रेशन का चैप्टर अभी हमने किया है, तो उसमें कुछ जो है आपके ऑप्शनल क्वेश्चन हैं जो आपको आंसर खुद माइंड में करने हैं। अभी क्वेश्चन जो मैं रीड करूंगा साथ साथ, तो राइट आंसर जो आप इसमें आपके खुद माइंड में रखने के भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया। तो मेल क्यों माइग्रेट करते हैं इंडिया के अंदर, मेनली एजुकेशन, वर्क, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, मैरिज। तो आप सोचिए क्या रीजन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। अब कौन से हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा जो है माइग्रेंट्स मजदूर जाते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, याद आ गया होगा आई थिंक आपको। और फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेंट्स इन इंडिया। तो कौन सी स्ट्रीम है आपकी जिसमें मेल ज्यादा जो है डोमिनेट करते हैं आपकी, रूरल टू रूरल या रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल या अर्बन टू अर्बन, तो आप पता लगाएंगे इसमें कौन से हैं। Which one of the following urban agglomeration has the highest share of immigration population? तो कौन सा जो अर्बन एग्लोमरेशन है, मुंबई है अर्बन एग्लोमरेशन या बेंगलोर है, दिल्ली है, चेन्नई है, जहां पर जो है हाईएस्ट शेयर है इमिग्रेंट्स का, कौन सा एरिया है सर? आप चैप्टर में अगर ध्यान से सुना हो तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके इसमें वेरी शॉर्ट आंसर आ जाते हैं, जो हो सकता है कि कौन सा स्टेट है जो इंडिया का वो रिसीव करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, आपका ऊपर ऑप्शनल में भी था, ये आप क्लियर कर सकते हैं। और व्हाई डू फीमेल माइग्रेंट्स आउटनंबर मेल माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज। भाई फीमेल माइग्रेंट्स जो है रूरल से रूरल वाले एरिया में क्यों ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और इन विच स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन जो है नंबर ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट्स द लार्जेस्ट इन इंडिया। तो कौन सी स्ट्रीम है जो माइग्रेशन की जिसके अंदर आपके जो चार स्ट्रीम्स हैं आपके, उन स्ट्रीम्स में से कौन सी ऐसी स्ट्रीम है जिसके अंदर आपका इंट्रा स्टेट जो माइग्रेंट्स हैं वो लार्जेस्ट है, कौन सी स्ट्रीम है ऐसी जिसमें इंट्रा स्टेट माइग्रेंट ज्यादा है। फिर लास्ट इसमें सेकंड नेक्स्ट आपके आ जाते हैं जो 30 वर्ड्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के अराउंड आपके क्वेश्चन बनते हैं, कि लाइफ टाइम माइग्रेंट और माइग्रेंट बाय लास्ट रेजिडेंस हमने पूरा डिस्कस किया था, आपने वीडियो को ध्यान से देखी होगी, तो उसमें डिफरेंशिएट करना है आपको इन दोनों में। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है मेन रीजन फॉर मेल एंड फीमेल सिलेक्टिव माइग्रेशन, क्योंकि मेल पर्टिकुलर एक रीजन के लिए माइग्रेट कर रहा होता है और फीमेल एक रीजन के लिए माइग्रेट करती है, ठीक है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करके बताने हैं कि क्यों ऐसा होता है दोनों में, ठीक है, और क्या रीजन है और क्यों करते हैं ऐसा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन ऑन द एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। तो जो इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेशन करते हैं, उसकी वजह से एज या सेक्स स्ट्रक्चर, जो एज या सेक्स स्ट्रक्चर होता है उस एरिया का, ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन या डेस्टिनेशन जहां से वो निकल के जाते हैं लोग, तो वहां पर एज और सेक्स स्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ता है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और जो आपकी 3 वेव्स हैं इंडियन डायस्पोरा की, जो हमने इंडियन डायस्पोरा के बारे में पढ़ा, जो आपके इंडियन डायस्पोरा था कि भी इंडिया का जो प्रसार हुआ है, उनकी 3 वेव्स के बारे में आपको उसमें बताना है, और पुल एंड पुश फैक्टर क्या होते हैं माइग्रेशन के लिए उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है, दोनों के बारे में। तो लास्ट में आपके जो है फॉलोइंग क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप में, जिसको हम कहें कि कंसिक्वेंसेज क्या है इंटरनेशनल माइग्रेशन के इंडिया के अंदर, जो इंटरनेशनल लेवल पे माइग्रेट करके आते हैं लोग इंडिया के ऊपर, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है इंडिया पे, इसके बारे में आपको बताना है। और सोशियो डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस क्या है माइग्रेशन के, वो भी आपको बताना है, ठीक है। सोशियो और डेमोग्राफिक, सोशियो और डेमोग्राफिक ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। और एक्सप्लेन एनी 5 इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद माइग्रेशन इंडिया। 5 जो आपके इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस आपको बताने हैं जो माइग्रेशन से रिलेटेड है इंडिया में, ठीक है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस। लास्ट में आपको इसमें बताना है डिफाइन द टर्म माइग्रेशन, माइग्रेशन जो है आपकी टर्म माइग्रेशन है क्या है, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, और 4 फैक्टर्स के बारे में आपको बताना है कि जिसकी वजह से इंडिया में लोग ट्रेवल करते हैं, और उन फैक्टर्स को आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई क्या फैक्टर्स हैं, ये हम वीडियो में पूरा डिस्कस करके आए हैं। तो आप ये क्वेश्चंस आपके बेसिकली इस चैप्टर से बन सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, बट अगर ये क्वेश्चंस आप क्लियर हो जाते हैं और वीडियो आपने क्लियरली देखी है, तो आई होप आपका कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।